आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन की झटपट बनने वाली एक बहुत टेस्टी रेसिपी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर में कोई सब्जी अवेलेबल ना हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। वेलकम टू माय चैनल निक्कीज रसोई, मैं हूँ आकांक्षा, आज के इस वीडियो के लिए आपकी होस्ट। और चलिए देखते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1.5 कप बेसन। 1 कप और आधा कप और बेसन डालेंगे, बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स इसमें नहीं चाहिए होते हैं। तो मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, लगभग 1/4 चम्मच नमक मैंने डाला है और 1/4 चम्मच ही अजवाइन डालते हैं। अजवाइन डालने से बेसन इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसको हाथ से हल्का क्रश करके मिला देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। बैटर में कोई लंप नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने 1 कप पानी डाल दिया है इसमें, तो इसे चलाकर अच्छी तरह से मिक्स करना स्टार्ट करा है मैंने। अभी ये काफ़ी गाढ़ा दिख रहा है, हमें इस रेसिपी के लिए थोड़ा पतला बैटर चाहिए, तो 1/2 कप पानी मैं यहाँ पर और मिला रही हूँ। तो जितना मैंने बेसन लिया था लगभग उतना ही पानी हमको चाहिए होगा। तो आप देख सकते हैं ये बैटर बिल्कुल तैयार है, इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर हमको चाहिए। हमें इस बेसन के चीले बनाने हैं, तो चीले बनाने के लिए मैंने एक डोसा तवा को हीट करा है। अब 1 चमचा भर के बेसन का बैटर लेंगे और इस पर जैसा हम डोसे को स्प्रेड करते हैं उसी तरीके से हम स्प्रेड कर देंगे। तो 1 चमचा भर के मैंने डाल दिया है और इस तरह से देखिए हल्के हाथ से इसको फैला देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम डोसा को बनाते हैं उसी तरह से मैंने ये बना के तैयार कर लिया है। 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, बेसन बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। थोड़ा सा ऑयल इसके किनारे पर डालेंगे। बेसन बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, तो आप इसे जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। हल्का सा ऑयल इसके ऊपर भी लगा देंगे। बस ये जो चीला हमने बनाया है इसे मोटा नहीं करना है, बहुत पतला पतला इसे हमें बनाकर तैयार करना है। तो जितना पतला चीला बनाएंगे उतनी ही अच्छी ये रेसिपी बनेगी। अब इसे हमें इसी तरह से देखिए फोल्ड कर लेना है, 2 से 3 फोल्ड जितने भी आ जाएंगे उतने हम फोल्ड कर लेंगे इसको। बेसन चीला बनके बिल्कुल तैयार है, चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैंने बाकी बचे हुए बैटर के भी चीले बनाकर तैयार कर लिए हैं। इतने बैटर से 3 से 4 चीले तक बन जाएंगे। अब हमें इन चीलों को कट करना है, तो आप थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा भी इसे कट कर सकते हैं। मैं यहाँ 1/2 इंच की पट्टी में इसके कट कर रही हूँ। ये मेरी मॉम की रेसिपी है, वो बिल्कुल इसी तरह से ये सब्जी बनाती थी। थर्सडे के व्रत में जब वो बेसन के चीले बनाए जाते हैं तो कुछ चीले बच जाते थे, तो उन चीलों की ये रेसिपी बना के वो देती थी और हम सबको बहुत पसंद आती थी। तो देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। तो इस तरह से मैंने सारे चीले के पीसेस करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको ग्रेवी में डालेंगे। ग्रेवी के लिए मसाला बना के तैयार करते हैं। तो मसाले के लिए मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में मैं ले रही हूँ एक मीडियम साइज़ का अनियन, 2 से 3 ग्रीन चिली, आप इन्हें बढ़ा या घटा भी सकते हो, और यहाँ पे 3 छोटे छोटे टमाटोज थे, इनको मैंने कट करके इसमें डाल रही हूँ। हमें इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। तो टमाटर प्याज ग्राइंड हो चुका है, स्मूथ ग्राइंड कर लिया मैंने। अब चलिए झटपट से ग्रेवी बना कर तैयार करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई को मैंने हीट करा है, इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है। मस्टर्ड ऑयल में सारी इंडियन ग्रेवीज़ बहुत अच्छी बनती हैं, तो मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/2 चम्मच ज़ीरा और ढेर सारी हींग। बेसन की चीज़ों में डाइजेशन के लिए काफ़ी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, अजवाइन और हींग मस्ट है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच ही धनिया पाउडर। अब जो अनियन टमाटो का पेस्ट हमने तैयार किया है वो पूरा इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखते हुए इसे 2 से 3 मिनट हमें फ्राई कर लेना है। कुछ चीज़ें और ऐड कर देंगे इसमें। 1 चम्मच में डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये भी जैसे जैसे अनियन फ्राई होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी पक जाएगा। 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला, आप इसकी जगह गरम मसाला या जो भी आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें भी इसमें मिक्स कर देंगे, सारा मसाला एक साथ भून के तैयार हो जाएगा। तो लगभग 3-4 मिनट हो गए हैं, मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ऑयल इसने सेपरेट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 2 बड़े चम्मच कर्ड। कर्ड को थोड़ा फेंटते हुए डालेंगे, इससे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और सब्ज़ी टेस्टी भी बहुत बनती है। तो मैंने यहाँ पर इसे मिला दिया है। गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इसे बहुत तेज़ी से मिलाएंगे, नहीं तो कर्ड फट सकता है।
इसको दही के साथ भी एक मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ पानी, तो मैंने एक गिलास पानी यहाँ पर यूज़ करा है। इस करी में जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतना पानी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो चीले के पीसेस हमने तैयार किए थे वो सारे इसमें डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 3-4 मिनट में ही ये बनके तैयार हो जाएगा। तो चीले पके हुए हैं, लेकिन इस तरह से पकाने से वो ग्रेवी का जो टेक्सचर और टेस्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत टेस्टी हो जाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे फिनिश करेंगे बारीक कटे हुए हरे धनिए से। हमारी बहुत टेस्टी बेसन चीले की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। चलिए सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं इसे। ये किसी भी चीज़, रोटी, पराठा, नान या फिर चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।